वेलकम एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, कलर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट, जिसमें कि हमें क्या समझना है कि देखो जो डी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं ना, वो जो कलर प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है, वो मेनली चार रीजंस की वजह से होता है। फर्स्ट इज डीडी ट्रांजिशन, सेकंड इज चार्ज मेटल ट्रांसफर, या फिर तुम इसे क्या कह सकते हो, इसे हम LMCT भी कह सकते हैं, दैट इज लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर। देन कम्स पोलराइजेशन, और फिर उसके बाद क्या है, होमोलूमो ट्रांजिशन। ठीक, तो देखो NCERT के लिए हमें सिर्फ ये दो टॉपिक जरूरी है, डीडी ट्रांजिशन एंड चार्ज मेटल ट्रांसफर। ठीक, तो आज की वीडियो में हम सिर्फ ये दो टॉपिक पे गौर करेंगे और इनपे बेस्ड क्वेश्चंस को समझेंगे। ठीक, और जो ये दो टॉपिक है, पोलराइजेशन एंड होमोलूमो ट्रांजिशन, इसे हम एक दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे, और वो वीडियो जो है वो मैं नीट और पर्टिकुलरली JEE के लिए बनाऊंगी। ठीक है, तो ये हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे, और ये हमारा आज का फोकस है, ये दो टॉपिक, डीडी ट्रांजिशन एंड चार्ज मेटल ट्रांसफर, जो कि क्या एक्सप्लेन करेगा, कलर ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। सो लेट्स स्टार्ट अ वीडियो। अब हमें ये समझना है सबसे पहले कि डी ब्लॉक एलिमेंट जो है, अगर वो कलर शो कर रहा है, तो हमें ये पता चल गया है कि कलर शो करने के रीजंस ये चार ही है। ठीक, तो ये चार रीजंस में से हम सबसे पहले कौन सा रीजन समझेंगे, द फर्स्ट वन, दैट इज डी ट्रांजिशन। ठीक, तो देखो तुम्हें पता है कि किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कॉम्प्लेक्स में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कॉम्प्लेक्स में पर्टिकुलरली क्या, कौन कौन प्रेजेंट होता है, मेटल प्रेजेंट होता है और लिगेंड प्रेजेंट होता है। ठीक है, अब देखो तुम्हें यहाँ पे क्या ध्यान देना है कि जो मेटल और लिगेंड प्रेजेंट होता है ना, उनके बीच में दो टाइप के फोर्स वर्क करते हैं, एक होता है अट्रैक्शन फोर्स एंड एक होता है रिपल्शन फोर्स। ठीक, अब तुम्हें ये बात याद रखना है कि ये दोनों फोर्स एग्जिस्ट साथ में ही करते हैं, बस फर्क ये पड़ता है कि किसी एक का इफेक्ट दूसरे के इफेक्ट के कंपैरिजन ज्यादा हो जाएगा। ठीक है, तो देखो अट्रैक्शन कब वर्क करता है, क्योंकि यहाँ पे मेटल आयन प्रेजेंट होता है और मेटल पे प्लस चार्ज है, और लिगेंड पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है। जैसे कि मान लो अगर मैं लिगेंड में वाटर ले लूँ H2O, या फिर क्या ले लूँ, अमोनिया ले लूँ NH3, तो क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, तो क्योंकि लिगेंड पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, मेटल पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इस वजह से मेटल और लिगेंड के बीच में क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स होगा। फिर देखो रिपल्शन कब वर्क करेगा, हमें पता है कि यहाँ पे जो ये सेंट्रल मेटल एटम होता है, ये पर्टिकुलरली कौन सा है, डी ब्लॉक एलिमेंट है ना, तो डी ब्लॉक एलिमेंट में हमें पता है कि इसके पास डी ऑर्बिटल्स में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, तो क्योंकि डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और लिगेंड पे भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, लिगेंड पे भी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है, तो दोनों के इलेक्ट्रॉन्स के बीच में क्या होगा, रिपल्शन वर्क करेगा, दोनों के बीच में क्या वर्क करेगा, रिपल्शन वर्क करेगा। ठीक, तो तुम समझ चुके हो कि मेटल और लिगेंड के बीच में अट्रैक्शन कब वर्क करेगा, रिपल्शन कब वर्क करेगा। और ये एक बात याद रखो कि हमेशा अभी अट्रैक्शन जो है वो रिपल्शन के कंपैरिजन ज्यादा ही है, तभी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कॉम्प्लेक्स जो है वो स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक, तो देखो इतनी बात तो क्लियर है कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के कॉम्प्लेक्स में रिपल्शन भी वर्क करता है। ठीक है, लेकिन हमें अब ये समझना है कि वो रिपल्सिव फोर्स कब डोमिनेट या कब बढ़ने लगता है। ठीक है, तो हम उस चीज़ को समझेंगे, लेकिन अभी मैं तुम लोग को एक बात बता दूं, जितनी बातें मैं बोल रही हूँ, जो मैं समझा रही हूँ, तुम्हें अभी सिर्फ उन बातों पे ही फोकस करना है जो इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन है कि अच्छा कि क्यों रिपल्शन वर्क कर रहा है, कैसे वर्क कर रहा है, वो जो है वो हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी पढ़ेंगे तब मैं समझा दूंगी। ठीक है, तो अभी तुम सिर्फ इतने पे ध्यान दे, हमें इतना समझ आ गया कि रिपल्शन भी वर्क कर रहा है मेटल और लिगेंड के बीच में, तो रिपल्सिव फोर्स कब बढ़ने लगता है, जब कोई भी डी ब्लॉक एलिमेंट, जब कोई डी ब्लॉक एलिमेंट फ्री स्टेट में प्रेजेंट होगा, फ्री स्टेट या आइसोलेटेड होगा ना, तब क्या होते हैं, उसकी जो एनर्जी होती है ना, उसकी जो डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी होती है वो सेम होती है। ठीक है, क्या बोला मैंने, जब भी यहाँ पे जो भी मेटल एटम है, जो भी मेटल आयन है, अगर वो फ्री आयन के फॉर्म में प्रेजेंट है, मतलब इसके आसपास कोई लिगेंड अगर नहीं है,
तब क्या होता है, तब ये होता है कि इस मेटल आयन के पास हमें पता है डी ऑर्बिटल है और डी ऑर्बिटल में 5 ऑर्बिट होते हैं। तो क्या होगा, जब कोई लिगेंड नहीं होता है ना, तब इसके ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है, 5 ऑर्बिट की जो एनर्जी होती है, वो एनर्जी क्या होती है, सेम होती है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल। ठीक है, डीजेनरेट ऑर्बिटल। तो यहाँ से तुम लोग क्या समझे हो कि जब कोई लिगेंड मेटल आयन को अप्रोच नहीं करता है, तब उस मेटल आयन के डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है, और उस सेम एनर्जी के ऑर्बिटल्स को हम लोग क्या बोलते हैं, डीजेनरेट ऑर्बिटल। ठीक है, अब जैसे ही लिगेंड मेटल आयन के पास अप्रोच करने लगता है, उसके पास आने लगता है, तो क्या होता है, इनके बीच में रिपल्शन होने लगता है। अब क्योंकि रिपल्शन होता है, तो अब जो ऑर्बिट, पहले जिस ऑर्बिट की एनर्जी सेम थी, अब वो ऑर्बिट की एनर्जी सेम नहीं रहती है, पहले इस ऑर्बिट की एनर्जी अब थोड़ी सी बढ़ती है। ठीक है, मतलब मान लो यहाँ पे हम एनर्जी को प्लॉट कर रहे हैं, ठीक है, तो क्या हुआ, पहले जब लिगेंड नहीं था तब एनर्जी कम थी, सेम थी एनर्जी। ठीक है, जैसे ही लिगेंड अप्रोच करने लगता है, तो क्या होता है, मेटल आयन के डी ऑर्बिटल्स की एनर्जी बढ़ जाती है, और बढ़ के ये जो 5 ऑर्बिट है, अब ये 5 ऑर्बिट कौन कौन से होते हैं, डी एक्स वाई, डी वाई जेड और डी जेड एक्स, फिर क्या होता है, डी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये 5 ऑर्बिट होते हैं, ठीक है, इनकी एनर्जी पहले सेम है, जैसे ही लिगेंड आया तो इनकी एनर्जी क्या होती है, इनकी ऑर्बिट की एनर्जी बढ़ती है, और ये ऑर्बिट 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल में डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल में डिवाइड हो जाते हैं, जिसमें कि एक सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, T2g, और दूसरे सेट को हम लोग क्या बोलते हैं, EG। ठीक है, मतलब ये 5 सेट ऑफ ऑर्बिटल अपने आप को डिवाइड कर लेते हैं, जिसमें कि T2g में 3 सेट ऑफ ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है। ठीक है, आउट ऑफ द 5 3 सेट ऑफ ऑर्बिटल एक साथ प्रेजेंट होंगे, जिनकी एनर्जी क्या होती है, लोअर होती है, लोअर एनर्जी होती है एज कंपेरिजन टू EG। ठीक है, और यहाँ पे 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल है जो कि EG को कंप्राइज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक तुम लोग समझ चुके हो कि क्या हुआ है, ऑर्बिट की एनर्जी पहले सेम होती है, एज लिगेंड अप्रोचेस और जो ऑर्बिट होती है उसकी एनर्जी बढ़ती है, देन इट गेट्स स्प्लिट इनटू 2 सेट ऑफ ऑर्बिटल, और उस सेट ऑफ ऑर्बिटल को ही हम लोग क्या बोलते हैं, T2g एंड EG। ठीक है, जिसमें कि याद रखना कि T2g की एनर्जी क्या होती है, EG के कंपैरिजन कम होती है। ठीक, तो अब हम यहाँ पे ये सब बातों को क्यों डिस्कस कर रहे हैं, तो अब देखो क्या होता है, पहले क्या करो, इतनी चीजें तुम लोग लिख लो, तो मैं जरा ये पोर्शन हटा दूं, तो मैं DD ट्रांजिशन को और अच्छे से एक्सप्लेन कर सकती हूँ। ठीक है, ये हम बना दे रहे हैं, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, लिगेंड प्रेजेंट है। ठीक है, तो यहाँ तक डी ऑर्बिट के अंदर क्या हो रहा है, लिगेंड के आने से ये सब चीजें तुम लोग समझ चुके हो। अब देखो क्या होता है, DD ट्रांजिशन होता क्या है, जो भी ट्रांजिशन एलिमेंट, कोई किसी भी ट्रांजिशन एलिमेंट जिसका कॉन्फ़िगरेशन D1 से लेके D9 तक रहता है, वो सभी के सभी क्या करते हैं, कलर प्रॉपर्टी शो करते हैं। ठीक है, और जिनका कॉन्फ़िगरेशन D0 या फिर D10 रहता है, दे डू नॉट शो कलर। ठीक है, तो तुम्हें याद रखना है ये लाइन। अब देखो क्यों D1 से D9 कलर को शो करते हैं, और D0 या D10 अगर रहेगा तो वो कलर प्रॉपर्टी शो नहीं करेंगे, क्यों ऐसा होता है, क्यों है कोई एक पर्टिकुलर ट्रांजिशन मेटल आयन ऐसी प्रॉपर्टी को शो कर रहा है, तो देखो इसके पीछे का रीजन क्या होता है, अगर डी में इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, मान लो हमने एग्जाम्पल में क्या ले लिया, स्कैंडियम +2। ठीक है, स्कैंडियम +2 ले रहे हो, उससे पहले क्या करो, स्कैंडियम का कॉन्फ़िगरेशन लिखो, स्कैंडियम में 21 एटॉमिक नंबर होता है, तो इसे कैसे लिख सकते हो, आर्गन 18 क्या हो जाएगा, 4s2, 3d कितना हो जाएगा, 1, है ना, तो ये होता है कॉन्फ़िगरेशन। अब मैंने बोला स्कैंडियम +2 लिखना है, तो जब स्कैंडियम +2 लिखोगे तो 2 इलेक्ट्रॉन्स कहाँ से निकलेंगे, 4s से निकलेंगे, तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, आर्गन 18 क्या हो जाएगा, 3d 1 4s 0। तो देखो कलर प्रॉपर्टी को शो करने के लिए डी में इलेक्ट्रॉन, डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स का होना जरूरी है, समझ आ रहा है, तो देखो क्या होता है, अब इसके डी ऑर्बिटल्स में, इसके डी ऑर्बिटल में कितना इलेक्ट्रॉन है, 1 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो क्या होता है,
मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है, ठीक, तो ये एक इलेक्ट्रॉन यहाँ प्रेजेंट है, तो होता क्या है कि जब व्हाइट लाइट या विजिबल लाइट जब इस इलेक्ट्रॉन पे पड़ती है, ये क्या है हमारा, मान लो ये व्हाइट लाइट है, ठीक है, जब व्हाइट लाइट इस इलेक्ट्रॉन पे पड़ती है तो लाइट के पास, तुम्हें पता है ना लाइट क्या होता है, लाइट या फोटोन किसे कहते हो, पैकेट्स ऑफ एनर्जी, तो इनके पास एनर्जी होती है, E = क्या, एच न्यू एनर्जी होगी, तो वो एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को एब्जॉर्ब करके वो क्या कर, अब अगर इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी आ गई है तो वो क्या होगा, मतलब उछल कूद करेगा, फिर वो क्या करता है, T2g से किस में चला जाएगा, Eg में चला जाएगा, ठीक है, तो ये इलेक्ट्रॉन एनर्जी एब्जॉर्ब करके यहाँ पे पहुंच जाता है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन ज्यादा टाइम तक स्टे नहीं करता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का स्टे करने का टाइम बहुत ही कम होता है, तो वो क्या करेगा, फिर से वो इलेक्ट्रॉन क्या करता है, अपने इस ऑर्बिट में वापस आता है। अब जब वो नीचे से ऊपर जाने के लिए एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रहा था, तो जब वो वापस ऊपर से हायर एनर्जी से नीचे आएगा तो एनर्जी क्या करेगा, एमिट करेगा कि नहीं करेगा, करेगा ना बेटा, तो सीधी बात है, जब ये वापस आता है लोअर एनर्जी में तो ये क्या करता है, तब भी यहाँ पे ये एनर्जी को एमिट करता है, समझ आया, समझ रहे हो यहाँ पे, तो बस इसी मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी एंड देन अगेन डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, DD ट्रांजिशन व्हेन विजिबल रीजन ऑफ लाइट या एनर्जी फॉल्स ऑन इट, समझ आया, तो डीडी ट्रांजिशन को कैसे डिफाइन करोगे, कैसे डिफाइन करोगे बताओ, एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कहां से कहां, फ्रॉम लोअर एनर्जी टू हायर एनर्जी, है ना, एंड डी एक्साइटेशन, एंड डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कहाँ से कहाँ बताओ, फ्रॉम डी एक्साइटेशन कहाँ से हो रहा है, हायर एनर्जी टू लोअर एनर्जी व्हेन विजिबल लाइट फॉल्स ऑन इट, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, इसी को तुम लोग क्या बोलोगे, डीडी ट्रांजिशन, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हो रहा है, लेकिन किसी के किसके बीच में हो रहा है, डीडी के ऑर्बिट के बीच में ही हो रहा है, इसी वजह से इसे हम लोग क्या बोलते हैं, डीडी ट्रांजिशन, आई होप तुम लोगों को समझ आ गया होगा, ठीक है, तो देखो यहाँ से तुम लोगों ने क्या समझा कि यहाँ पे एक बार एनर्जी एब्जॉर्ब होती है, एनर्जी एब्जॉर्ब होता है और एक बार एनर्जी क्या होती है, एमिट होती है, ठीक है, तो एक बात ये यहाँ पे समझ लो, गांठ बांध लो कि जितनी एनर्जी एब्जॉर्ब होगी ना उतनी ही एनर्जी क्या होती है, एमिट होती है, ठीक है, तो कभी भी अगर इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन हो रहा है डी ऑर्बिटल्स के बीच में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डीडी ट्रांजिशन, और इस डीडी ट्रांजिशन के वक्त जितना एनर्जी एब्जॉर्ब होगा हमेशा उतना ही अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिट भी होगा, इसीलिए मैंने बीच में यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाया, ठीक है, अच्छा यहाँ पे मैं बोलूँ एनर्जी एब्जॉर्ब या लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, बात तो एक ही चीज़ है ना, लाइट बोलो या एनर्जी बोलो सेम ही चीज़ है, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से हम ये कंक्लूड कर रहे हैं कि डीडी ट्रांजिशन के लिए इलेक्ट्रॉन जो होता है वो विजिबल रीजन की लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, अब विजिबल रीजन में कौन कौन से लाइट पड़ते हैं तुम्हें पता है, विबगियोर विजिबल रीजन में बेटा यही तो लाइट्स हैं जो पढ़ते हैं, तुम लोगों ने पढ़ रखा होगा ना, वॉयलेट इंडिगो ब्लू ग्रीन येलो ऑरेंज रेड, यही लाइट तो पढ़ते हैं, इसका मतलब ये है कि डीडी ट्रांजिशन के लिए इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इनमें से किसी एक लाइट को क्या कर रहा है, एब्जॉर्ब कर रहा है, समझ आया, तो अगर इनमें से किसी एक लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है तो जब एनर्जी एब्जॉर्ब होता है ना तो भी एक पर्टिकुलर कलर का लाइट जो है वो फॉल करता है, पर्टिकुलर कलर ऑफ लाइट फॉल्स ऑन इलेक्ट्रॉन, ठीक है, तो अगर पर्टिकुलर कलर ऑफ लाइट को वो एब्जॉर्ब कर रहा है या एनर्जी को वो एब्जॉर्ब कर रहा है, तो एक बात समझो,
जो वो एनर्जी एमिट कर रही है उसकी भी एनर्जी सेम ही है, तो इसका मतलब जो एमिटेड लाइट है वो भी क्या कर रहा है, विजिबल रीजन में ही फॉल कर रहा है। और वही विजिबल रीजन का लाइट जब हमारे रेटिना पे पड़ती है, आंखों पे पड़ती है, तो हमें क्या दिखता है, कलर दिखता है। तो ये बात हम समझ गए। तो वो कौन सा कलर दिखेगा ये चीज हमें डिसाइड करना है, और इस पे बेस्ड जेई वगैरह में और नीट में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। यहाँ से ये क्वेश्चन आता है बेटा, तो ये समझ लो। यहाँ से अब तुम लोग ये समझ गए हो कि जब एनर्जी एमिट हो रही है तो भी क्या होता है, कलर एमिट होता है। ये बात हम समझ चुके हैं, क्योंकि दोनों ही लाइट की एनर्जी क्या है, सेम है। अगर दोनों लाइट की एनर्जी सेम है तो हमें पता है कि जो एनर्जी एमिट हो रही है या फिर जो लाइट एमिट हो रहा है वो भी किस में फॉल कर रहा होगा, वो भी किस में फॉल कर रहा है, ये लाइट भी विजिबल रीजन में ही फॉल कर रहा है। और अगर विजिबल रीजन का लाइट है तो हमें कलर दिखेगा ही दिखेगा। अब वो कौन सा कलर एमिट हो रहा है ये हम क्या करते हैं, ये हम कलर व्हील के थ्रू निकालते हैं, ठीक है। ये हम कलर व्हील के थ्रू निकालते हैं। और कलर व्हील क्या कहता है या कलर व्हील क्या होता है ये तुम्हें देखना है, ठीक है। तो कलर व्हील कैसे निकाला जाता है, कलर व्हील में एक ऐसे सर्कल बना लो, उसमें क्या करो, तीन लाइन ऐसे मार दो, तीन लाइन मारा हमने, इसमें क्या होता है, यही लाइट्स कलर व्हील में बना दो सीधे सीधे। तो वॉयलेट इंडिगो को एक साथ बनाना, वॉयलेट इंडिगो, फिर ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ठीक है। तो ये होता है कलर व्हील, ठीक है। तो हम एमिटेड लाइट का कलर किससे निकालते हैं, कलर व्हील से निकालते हैं। अब देखो कैसे होगा, मान लो मैंने ये बोला कि एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन है उस पर रेड लाइट फॉल कर रहा है। रेड लाइट फॉल करने का क्या मतलब समझ रहे हो बेटा, इसका मतलब क्या है, वो रेड लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है, ठीक है। तो अगर वो रेड लाइट एब्जॉर्ब कर रहा है तो मैंने क्या बोला कि जो एमिटेड लाइट होगी उसका कलर हम किससे निकालते हैं, बाय कलर व्हील। तो जो एमिटेड लाइट होगा ना वो हमेशा रेड का कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा, ठीक है। जो एमिटेड लाइट होगा वो हमेशा कैसा होगा, कॉम्प्लीमेंट्री कलर होगा, ठीक है। और कॉम्प्लीमेंट्री कलर कैसे निकालते हैं मैं बता दे रही हूँ तुम लोगों को। देखो रेड के सामने क्या पड़ रहा है, ग्रीन। तो एक बात समझ जाओ कि अगर वो एब्जॉर्ब कर रहा है रेड लाइट तो वो एमिट करेगा कौन सा लाइट, ग्रीन लाइट, ठीक है। तो इस तरीके से हम निकालते हैं कि कौन सा कलर कोई पर्टिकुलर एलिमेंट अगर एब्जॉर्ब करता है तो वो कौन सा कलर एमिट करेगा, ठीक है। तो मैं रीजन बता दिया मैंने कि कलर एमिशन या कलर प्रॉपर्टी होता ही यहाँ पे क्या है, ड्यू टू डीडी ट्रांजिशन। डीडी ट्रांजिशन भी तुम लोग समझ चुके हो क्या होता है, क्यों होता है, ठीक है। अब देखो याद रखना, अगर वॉयलेट इंडिगो एब्जॉर्ब कर रहा है तो येलो लाइट दिखेगा, ब्लू एब्जॉर्ब कर रहा है तो ऑरेंज दिखेगा, ठीक है। देखो मैं यहाँ पे एक बात बता दे रही हूँ, टिल 12th इतना ही पोर्शन और इतना ही ज्ञान है जो तुम लोग को लेना है, ठीक है। लेकिन जो जेई और नीट में क्वेश्चंस आते हैं वो इस पे कलर पे बेस्ड बहुत अच्छे क्वेश्चंस आते हैं, जो कि अगर वो पोर्शन कोई बच्चा पढ़ता है तो उसके जो कलर कंसेप्ट की थ्योरी है वो और अच्छी क्लियर हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने पूरी बात नहीं बताई है, उतनी ही बताई है जितना 12th वालों के लिए जरूरत होता है, ठीक है। तो देखो अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है, वो क्वेश्चन ये है कि क्यों विजिबल रीजन का ही लाइट ये एब्जॉर्ब करता है डी के इलेक्ट्रॉन्स। तो रीजन इसका ये होता है बेटा कि अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर्ड होता है ना किसी एक डी ऑर्बिटल्स के इलेक्ट्रॉन को एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाने के लिए, वो अमाउंट ऑफ एनर्जी हमेशा इक्वल होता है टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी या फिर कह लो फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट ऑफ विजिबल रीजन। समझ आया क्या बोला मैंने, कि जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन्स को एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाने के लिए चाहिए होता है ना, एनर्जी कह लो या फिर क्या कह सकते हो बेटा, फ्रीक्वेंसी। एनर्जी को फ्रीक्वेंसी से भी तो रिलेट कर सकते हो। तो उस वो अमाउंट ऑफ एनर्जी हमेशा किसके बराबर होता है, टू द अमाउंट ऑफ एनर्जी या फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट दैट फॉल्स इन विजिबल रीजन। समझ आया। तो इसी वजह से जो डी ब्लॉक के इलेक्ट्रॉन्स है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स के जो इलेक्ट्रॉन है वो विजिबल रीजन के लाइट को ही एब्जॉर्ब करते हैं,
और ना कि अल्ट्रा वायलेट या यूवी रेज या एक्सरे को एब्जॉर्ब करते, ठीक है। तो यहाँ पे ये लाइन लिख दूँ मैं, एनर्जी रिक्वायर्ड टू मूव फ्रॉम वन लेवल टू अनदर इज इक्वल टू द एनर्जी ऑफ लाइट, इज इक्वल टू द एनर्जी, एनर्जी कह लो या फिर इज इक्वल टू द फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट दैट फॉल्स इन विजिबल रीजन। इसी वजह से ये विजिबल रीजन या वाइट लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं और बाकी एक्सरे या इंफ्रा रे या यूवी रेज को एब्जॉर्ब नहीं करते, ठीक है। तो आई होप ये बात समझ आ गया होगा। तो अब हम क्या बोलेंगे कि कोई भी ट्रांजिशन मेटल एटम या आयन जिसके डी ऑर्बिटल में 1 से लेकर 9 तक के इलेक्ट्रॉन अगर लाई कर रहे हैं तो वो कलर प्रॉपर्टी को शो करेगा, ठीक है। और अगर किसी का डी 0 हुआ या डी 10 हुआ तो वो कलर प्रॉपर्टी शो नहीं करता है। रीजन ये है कि डीडी ट्रांजिशन के लिए अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का होना जरूरी है। अब अगर डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो ट्रांजिशन कौन करेगा बेटा? तो जब ट्रांजिशन नहीं होगा तो कलर प्रॉपर्टी नहीं होगी, ठीक है। तो आई होप ये बात समझ आ गई होगी तुम लोगों को। तो इस बेसिस पे हम क्या बोलते हैं, स्कैंडियम प्लस 2, टाइटेनियम प्लस 2 और वेनेडियम प्लस 2, ये सभी के सभी क्या होते हैं, ये कलर शो करते हैं, दे शो कलर बिकॉज हैव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी ऑर्बिटल टू शो डीडी ट्रांजिशन। समझ आ गया? आई होप ये सारी बातें तुम लोगों को क्लियर होंगी, ठीक है। अब देखो हम वो एग्जांपल देख लेते हैं जो डीडी ट्रांजिशन शो नहीं करेगा। उस एग्जांपल में कौन कौन आता है, स्कैंडियम प्लस 3, कॉपर प्लस 1, टाइटेनियम प्लस 4, ये सभी के सभी हैं, ये कलर शो नहीं करते, डू नॉट शो कलर, ठीक। रीजन देख लो खुद ब खुद, स्कैंडियम अगर प्लस 3 रहेगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, आर्गन 18 और क्या हो जाएगा 3D0 4S0, है ना, स्कैंडियम प्लस 3 यही तो रहेगा। तो अब जब डी में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है तो डीडी ट्रांजिशन कैसे होगा, डीडी ट्रांजिशन नहीं होगा तो कलर कैसे होगा बताओ। तो बस ये एग्जांपल है जो डीडी ट्रांजिशन जो कलर शो नहीं करते, ये ट्रांजिशन मेटल आयन, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक दो और एग्जांपल समझेंगे जिनके पास डी ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं तो भी वो कलर शो कर जाते हैं, ठीक है। तो हम उसका रीजन समझेंगे। आई होप जो बातें मैंने यहाँ तक तुम लोगों को बताई है तुम लोगों को अच्छे से वो सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए। अब हम समझेंगे LMCT या फिर चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम, ठीक। देखो चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम में हम सबसे पहले एक क्वेश्चन करते हैं, जैसे KMnO4 है, ठीक है। KMnO4 का कलर, वैसे तो ये कलरलेस होना चाहिए, ठीक है, जो चीज़ें अभी हमने पढ़ी है डीडी ट्रांजिशन वगैरह के बेसिस पे ये कलरलेस होना चाहिए, लेकिन ये कलर्ड होता है, इसका कलर वॉयलेट या डीप पर्पल ऐसा कुछ कलर होता है, ठीक है। तो अब ऐसा क्यों हो गया है, तो रीज़न हमें पता है, यही है जो टॉपिक के अंडर में ये एग्जाम्पल दिया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे होता क्या है हमें वो समझना है, ठीक है। तो देखो KMnO4 में क्या होता है, मैंगनीज होता है और उसके सराउंडिंग में क्या होता है, सिग्मा और पाई बॉन्ड से ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, ठीक। और ऑक्सीजन के ऊपर क्या होता है, -2 चार्ज प्रेजेंट होता है, ठीक है। इतनी बातें हमें पता है, पता होनी चाहिए। तो मैंगनीज के अराउंड में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। अब देखो क्या है, अगर हम ध्यान दें तो मैंगनीज यहाँ पे +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, और अगर मैंगनीज +7 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, उसके लिए हम पहले मैंगनीज का कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, क्या होगा, आर्गन 18 क्या हो जाएगा 4s2 3d5, यही तो होता है मैंगनीज का कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर मैंगनीज का कॉन्फ़िगरेशन अगर हम जानते हैं
तो अगर हम मैंगनीज प्लस 7 का कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 3d0 4s0, यही तो कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है। अब इस हिसाब से तो डी में इलेक्ट्रॉन ही नहीं है, तो इसे होना क्या चाहिए था, कलरलेस। लेकिन ये होता क्या है, ये कलर्ड होता है, कलरलेस होना चाहिए था लेकिन नहीं होता है। और ये कैसा होता है, कलर्ड कंपाउंड होता है। तो रीजन इसका क्या होता है, चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम या फिर लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है ना, Mn क्योंकि प्लस 7 ऑक्सीडेशन स्टेट पे होता है, तो क्योंकि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पे है तो इसका न्यूक्लियर चार्ज क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो हाई न्यूक्लियर चार्ज की वजह से ये क्या करता है, किसी भी एक ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन अपने पास ट्रांसफर करा लेता है। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन या चार्ज का ट्रांसफर तभी होगा जब क्या होगा, यहाँ पे विजिबल लाइट पड़ती है। तो जैसे ही विजिबल लाइट पड़ती है या फिर हाई न्यूक्लियर चार्ज की वजह से क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन का एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होके मैंगनीज के पास चला जाता है। तो मैंगनीज प्लस 7 से किस में आ जाएगा, प्लस 6 में आ जाएगा, और ऑक्सीजन किस में प्रेजेंट रहेंगे, ऑक्सीजन क्या हो जाएगा, -1 में आ गया है ना। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है फ्रॉम कहाँ से, फ्रॉम एनायन टू सेंट्रल मेटल आयन, है ना, ये हुआ। फिर वापस क्या करता है, मैंगनीज प्लस 7 ऑक्सीडेशन स्टेट एक्वायर करता है, वापस ये इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, ट्रांसफर करता है, इसको फिर से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज ये फिर से प्लस 7 में आ जाएगा और ये ऑक्सीजन -2 में आ जाएगा। तो ये जो रिएक्शन होता है ना, ये जो प्रोसेस होता है, ये कैसा होता है, रिवर्सिबल, मतलब ये, तो इसीलिए हमने ये वाला साइन बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्योंकि क्या हो रहा है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के वजह से हाई न्यूक्लियर चार्ज होता है मैंगनीज के पास, हाई न्यूक्लियर चार्ज के वजह से क्या करता है, वो इलेक्ट्रॉन या चार्ज का ट्रांसफर करवाता है अपने पास। जब चार्ज ट्रांसफर होगा, हमें पता है ना यहाँ पे कलर हो ही क्यों रहा है, ड्यू टू एक्साइटेशन एंड डी एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना, फ्रॉम वन एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल। तो यहाँ पे क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होने लगता है, तो इसी वजह से मैंगनीज को होना चाहिए था कलरलेस, लेकिन होता क्या है, कलर्ड, ठीक है। ये हमारे भावनाओं के साथ यहाँ पे एज यूजुअल, जैसे बाकी चीजों में खिलवाड़ होता है, वैसे यहाँ पे भी क्या हो गया, खिलवाड़ हो गया, ठीक है। तो जो बात था मैंने समझा दिया, और दो तीन एग्जाम्पल है जिनको होना चाहिए था कलरलेस लेकिन वो हो जाते कलर्ड, वो एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख दूंगी, याद करना होगा तो कर लेना, बेटर होगा तुम लोगों के लिए, ठीक है। तो देखो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनके पास, जो क्या करते हैं, डीडी ट्रांजिशन नहीं करते हैं लेकिन फिर भी एलएमसीटी या चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रम के वजह से ये कलर शो करेंगे, ठीक है। अब देखो तुम लोगों को एक छोटा सा क्वेश्चन है जो इम्पोर्टेंट है, मैं बता देती हूँ। जैसे कॉपर सल्फेट होता है CuSO4, तो क्वेश्चन तुम लोगों से ये पूछा जा रहा है कि जो कॉपर सल्फेट होता है, इसका जो एनहाइड्रस फॉर्म होता है, एनहाइड्रस फॉर्म है वो तो कलरलेस होता है, वो कैसा होता है, कलरलेस होता है, लेकिन हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स जो है वो कलर्ड होता है, हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स जो है वो कलर होता है, तो ऐसा क्यों, यहाँ पे ये है क्वेश्चन। तो देखो यहाँ पे रीजन क्या है, समझाना है। तो देखो क्या होता है, CuSO4.5H2 होता है, यहाँ पे ये क्या है, हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स है, ठीक, ये हमारा क्या है, हाइड्रेटेड कॉम्प्लेक्स है। जब हम इसे हीट करते हैं तो ये किस में बदल जाता है, CuSO4 में, है ना। तो अब देखो यहाँ पे दोनों के पास कॉपर प्लस टू में ही प्रेजेंट होता है, ठीक। तो जब कॉपर प्लस टू में होगा तो कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 3d9, इसका कॉन्फ़िगरेशन भी क्या है, 3d9। तो अब तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए, भाई इसका कॉन्फ़िगरेशन तो d1 से लेके d9 हमने पढ़ा था कि d1 से लेके d9 किसी का कॉन्फ़िगरेशन होगा तो वो कलर शो करेगा, तो दोनों को कलर शो करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे हाइड्रेटेड वाला कलर शो करता है, एनहाइड्रस वाला कलर शो नहीं करता है। तो इसके रीजन ये है कि देखो सिर्फ डीडी ट्रांजिशन या एलएमसीटी पे ही तुम ध्यान नहीं दोगे बेटा। एक चीज मैंने क्या बोला, ये सारी कहानी पैदा ही क्यों होती, लिगेंड के वजह से, कि लिगेंड क्या करता है, रिपल्शन क्रिएट कराता है, रिपल्शन करा के वो डी ऑर्बिटल्स को दो सेट में डिवाइड कर देता है। जब दो लेवल ऑफ एनर्जी जनरेट होता है
तभी तो इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है और इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन एक्साइटेशन की वजह से कलर शो होता है। तो अगर यहाँ पे रचना करने वाला ही नहीं प्रेजेंट हो या लिगेंड ही नहीं प्रेजेंट हो तो ये सारी कहानियां कैसे पैदा होगी, है ना। तो क्योंकि यहाँ पे जो क्या बोलते हैं एनहाइड्रस फॉर्म है इसके पास लिगेंड नहीं होता है, तो नहीं लिगेंड होने के वजह से ना ही इसमें स्प्लिटिंग होती है डी ऑर्बिटल्स की, स्प्लिटिंग नहीं होगी तो डी डी ट्रांजिशन नहीं होता है, इसीलिए कलर शो नहीं होता है। तो ये है इसका रीज़न। तो तुम्हें एक और रीज़न याद रखना है कि लिगेंड का होना भी ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ पे 5H2O जो है ये लिगेंड का ही तो काम कर रहा है। H2O क्या है, लिगेंड का काम कर रहा है, इट इज़ अ न्यूट्रल लिगेंड, ठीक है। तो आई होप तुम लोग को ये सारी चीज़ें अच्छे से समझ आई होगी। जो इसमें और पार्ट है जैसे पोलराइजेशन, होमोलुमो ट्रांजिशन, देन कम्स व्हाट आर द फैक्टर दैट इफेक्ट्स द कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स, ये सारी चीजें ना अब मैं एक नया सीरीज टाइप स्टार्ट कर रही हूँ जिसका नाम क्या होगा, पावर कैप्सूल्स फॉर नीट एंड जेई। उसमें मैं इन क्वेश्चंस को, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी जो नीट और जेई में पूछे जाते हैं, ठीक है, जो ट्वेल्थ वालों के लिए जरूरी नहीं है। अगर तुम्हारे पास टाइम हो तो पढ़ लेना, कोई बात नहीं। तो वहां पे मैं उन टॉपिक्स को डिस्कस करूंगी। तो आज ये टॉपिक होता है खत्म, मिलेंगे हम अब नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डू लाइक शेयर कॉमेंट एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।